भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए विमेंस के दूसरे वनडे मुकाबले में बल्ले के बाद गेंद के साथ चमकी स्मृति मानधना। भारत के लिए पहली बार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में ली सफलता। एक बार फिर से नंबर 18 जर्सी के विकेट लेने पर गूंजा पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम। दरअसल इस मुकाबले में 136 रन की शानदार पारी खेलने के बाद जब हरमनप्रीत कौर ने 15वें ओवर में स्मृति मानधना को गेंद थमाई तो यह स्मृति मानधना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला ही ओवर था जिसकी दूसरी ही गेंद पर यह वाइड लेंथ पर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज सुने लूस का यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा और जैसे यहाँ पर ऋचा घोष ने यह कैच पकड़ी तो स्मृति मानधना का यहाँ पर सेलिब्रेशन देखिए, यह विकेट का जश्न देखिए। स्मृति मानधना के विकेट लेते ही भारतीय टीम के साथ साथ पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम गूंजा, जिस तरह से हमें वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली के विकेट लेने के बाद देखने मिला था। वैसे स्मृति मानधना के विकेट के साथ एक बार फिर से नंबर 18 जर्सी और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक अलग ही स्टोरी देखने मिली।